राम राम जी सारा ने, कैसे आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी बेसन की भुजिया बनाना, नमकीन जो दुकाना पतले लिया कर बाढ़ 10-10 रुपए की। तो चलिए बनानी सीखते हैं। तो गाइज, मैंने ये एक कटोरी से कम ही बेसन लिया, मतलब कि आधा कटोरी लिया है। और इसको हम एक बर्तन में डाल के और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको मिक्स करेंगे। इसमें ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। ऐसे मिक्स करते जाएं। गाइज, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आगे कुछ बनाऊं तो आपको जल्दी पता चल जाए। ऐसे धीरे धीरे मिक्स करते जाएं। गाइज, ये एक हाथ से वीडियो बना ली और एक हाथ से मिक्स करें तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे मिक्स हो जाए तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी। और गाइज, अगर किसी को बिना मिर्च की खानी हो तो मिर्च ना डालें, अगर मिर्च की खानी हो तो थोड़ी सी मिर्च डाल लें। मैं इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक भी डाल देती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ में काला नमक डालती हूँ, मुझे आदत हो गई। और ये है थोड़ी सी अजवाइन, अगर कोई डालना चाहे तो इसमें जीरा भी डाल सकता है पिसा हुआ। ये सब डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ऐसे मिक्स करते जाएं करते जाएं और ये मिक्स हो जाए तो उसके बाद हम डालेंगे, ये है, मैंने तो घी गरम किया है, इसमें आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने घी डाला इसमें गरम करके और इसको मिक्स कर दिया। तो गाइस, ये सब कुछ मिक्स होने के बाद ये ऐसा पेस्ट बन जाएगा, देखिए। इस पेस्ट को हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तब तक ये तेल गरम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तब तक तेल गरम हो, थोड़ा सा मैं उसको बेसन को चेक कर लेती हूँ। तो गाइस, तेल गरम हो गया है। मैं अब उस जो पेस्ट बनाया था हमने उसको एक बोतल में डाल देती हूँ। तो गाइस, इसको बोतल में भरने से पहले मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा चावल का आटा। चावल का आटा डालने से ये क्रिस्पी बनेगी भुजिया। और इसको डाल के इस तरह मिक्स कर दो। तो गाइज, मैं इस पेस्ट को इस बोतल के अंदर भर लेती हूँ ऐसे करके। तो गाइज, मैंने पेस्ट को बोतल के अंदर भर लिया है। अब देख, चलिए तेल गरम हो गया, बनाते हैं। Thank you.
फोन भी तब पकड़ गया। इस तरह इसे ब्राउन होने तक पकने दें और इसे निकाल लें। गाइज अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो तो उसको पूरा देखें, पूरा न देखने से आधी अधूरी जानकारी मिलती है। मैंने अभी आपको बतानी है कि बोतल कैसी लेनी है, मैं अभी वीडियो के एंड में बताऊंगी कि बोतल कैसी लेनी है। तो गाइज ये हमारी भुजिया बनके तैयार हो गई है नमकीन। ये ऐसे गोल गोल जुड़ी हुई थी, मैंने ये थोड़ा तोड़ ली है, आप भी इसको तोड़ लेना। अभी गर्म थी ना इस कारण ये देखो गाइज बिल्कुल एकदम कड़क क्रेस्पी। देखो एकदम सस्ता और आसान तरीका, घर में मेहमान आ, कोई दुकान नज़दीक ना हो, कुछ घर पर खिलाने के लिए ना हो, तो फटाफट से बना सकते हैं आप घर पर भी ये। तो मैंने इसको बनाने के लिए ये बोतल ली थी। बोतल ऐसे ये होती तो बहुत तरह की हैं ऐसी, पर ये कई बोतलें टाइट होती है। देखो मैंने ये बिल्कुल बिल्कुल मुलायम बोतल ली है, इससे बनाने में आसानी होती है। इसके ढक्कन में मैंने छेद कर लिए थे, देखो। तो गाइज आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जब भी मैं कोई भी वीडियो भेजती हूँ तो आप इसको एंड तक देखना, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी मिलती है गाइज। जैसे मैंने उसमें बाद में चावल का आटा डाला, भूल गई थी मैं, तो वो बीच में ही डालना था, बेसन के साथ साथ ही मिक्स करना था। तो गाइज आपके साथ ऐसा ना हो तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ सपोर्ट मी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।